लोग तो जानते हैं कि शायर आजम विजय मरहूम की बरसी बनाने हम लोग यहां जमा हुए। पिछले साल इसी दिन वो मजबूत घड़ी आई थी जिसने दुनिया से इतना बड़ा शायर छीन लिया। अगर हो सकता तो मैं अपनी सारी दौलत लुटा कर भी, खुद मिट कर भी विजय को बचा लेता, लेकिन ऐसा ना हो सकता। क्यों? आप लोगों की वजह। कहने को तो दुनिया कहती है कि विजय ने अपनी जान ली, लेकिन दरअसल आप लोगों ने उसकी जान ली। काश आज विजय महरूम जिंदा होते तो वो देख लेते कि जिस समाज ने उन्हें भूखा मारा, आज वही समाज उन्हें हीरे और जवाहरात में तोड़ने के लिए तैयार है। जिस दुनिया में वो गुमनाम रहे, आज वही दुनिया उन्हें अपने दिलों के तख्त पे बिठाना चाहती, उन्हें शोहरत का ताज पहनाना चाहती, उन्हें गरीबी और मुफलिसी की गलियों से निकालकर महलों में राज कराना चाहती है। ये इंसान के दुश्मन समाज की दुनिया, ये महलों ये तख्तों ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाज की दुनिया, ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। हर एक जिस्म घायल, हर एक रूह प्यासी, निगाहों में उलझन दिलों में उदासी, ये दुनिया है या आलमे बद हवासी, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। यहाँ एक खिलौना है इंसान की हस्ती, ये बसती है मुर्दा परस्तों की बसती, यहाँ पर तो जीवन से है मौत सस्ती, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। भटकती है बदकार बनकर, जवान जिस्म सजते हैं बाजार बनकर, यहाँ प्यार होता है व्यापार बनकर, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। ये दुनिया जहां आदमी कुछ नहीं है, वफा कुछ नहीं, दोस्ती कुछ नहीं है, ये दुनिया जहाँ आदमी कुछ नहीं है, वफा कुछ नहीं, दोस्ती कुछ नहीं है, जहाँ प्यार की कद्र ही कुछ नहीं है,
ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। ये दुनिया